हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया मेरी वीडियो को आए हुए, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, बट अब मैं कंटिन्यूटी में वीडियो डालता रहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि मैंने एक नई गाड़ी ली है, टाटा पंच, और इसको लिए हुए 6 महीने हो गए हैं। ये गाड़ी मैंने दिसंबर की स्टार्टिंग में ली है और ये जो मॉडल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने मॉडल लिया है, ये है टाटा पंच का प्योर प्लस रिदम पैक। रिदम पैक में दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिदम पैक में हमारे पास क्या, सबसे जेन्युइन बात बताना चाह रहा हूँ, ये गाड़ी जो है मेरी अब तक आप देख सकते हो 25,219 किलोमीटर चल चुकी है। 25,219 किलोमीटर, अगर मैं कैमरे को थोड़ा जूम करता हूँ दोस्तों, ये लोग ये जो है आपका प्योर प्लस रिदम पैक, एक तरह से बेस मॉडल ही है। तो बेस मॉडल में आपको जो है फोग लैंप देखने को नहीं मिलते हैं, नीचे फोग लैंप नहीं होंगे इसमें। और दूसरा, इसमें जो है हेलोजन मिलेंगी आपको, देखो आप देख सकते हो इसमें हेलोजन है, इसमें एलईडी नहीं मिलेंगी आपको। ये जो रूफ रेल आप देख रहे हो, ये मैंने बाहर से लगवाई थी, ये भी मैंने करोल बाग से लगवा रखी है गाड़ी में। जो स्टील रिम आप देख रहे हो, ये भी आपको बेस मॉडल में ऐसे ही मिलेंगे, बट लेकिन इसमें कोई कैपिंग वगैरह या कोई एलॉय वगैरह नहीं आते हैं इस बेस मॉडल में। ये जो है हमारे सारे एसी कंट्रोल है, यहाँ से हम फैन की स्पीड जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फैन की स्पीड कम कर दी है, फैन की स्पीड ज़्यादा कर रहा हूँ। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों मैंने गाड़ी को एसी में ऑन रख के स्टार्ट किया है, आप ये कभी बिल्कुल भी मत करना। आप हमेशा जो है गाड़ी को स्टार्ट करने पहले आपका एसी ऑफ होना चाहिए, एकदम गाड़ी पे लोड पड़ता है, ऐसा कभी मत करना। आपका एसी जो हमेशा बंद होना चाहिए, और जैसे ही गाड़ी आप बंद करते हो उससे पहले आप एसी को बंद कर देना, तभी गाड़ी को आप बंद करना। कंपनी की तरफ से जो मेरे को रिदम पैक मिला था, रिदम पैक में मेरे को एक्स्ट्रा क्या मिला, मेरे को स्टीरियो पे माउंट मिले हैं, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से मैं ऑडियो को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं फ़ोन को अटेंड कर सकता हूँ, यहाँ से फ़ोन को कट कर सकता हूँ। ये भी आपको रिदम पैक में मिलते हैं। बेस मॉडल में आप अगर इससे नीचे का प्योर मॉडल लोगे, उसमें आपको ये सब नहीं मिलेगा, ना आपको ये स्टीरियो कंट्रोल मिलेंगे और ना आपको ये स्टीयरिंग कंट्रोल मिलेंगे। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से 4 स्पीकर मिलते हैं हरमन के, जो कि चारों डोर में इंस्टॉल्ड है। ये सीट कवर जो आप देख रहे हो, ये मैंने करोल बाग से डलवाए थे और ये लगभग मेरे को 5,500 रुपये के पड़े थे। गाड़ी में बूट स्पेस देख सकते हो आप, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे टाटा कंपनी की तरफ से एक एयर पंप दिया गया है, जो कि साइड में रखा होता है। ये जो आप एयर पंप देख रहे हो, ये कंपनी की तरफ से, टाटा कंपनी की तरफ से दिया गया है, गाड़ी के साथ ही आया था। और तो इसको आप क्या है, कभी भी आपकी अगर गाड़ी पंचर होती है या आपकी गाड़ी में हवा कम होती है, तो आप इसको जो है अपना स्मोकिंग लाइटर की जगह लगा के और इसको अपना ऑन करके, इसके साथ एक पाइप निकल जाता है, इस पाइप से आप क्या करोगे, अपना गाड़ी को आप के जो आपके टायर है उसकी आप हवा भर सकते हो। और अगर गाड़ी में पंचर है, अगर हवा कम है तो आप इससे भर सकते हो, लेकिन अगर आप आपकी गाड़ी में पंचर है, वैसे तो आपके गाड़ी के टायर, जो गाड़ी का जो टायर है वो ट्यूबलेस आए हुए हैं साथ में, पर ये जो टाटा कंपनी की तरफ से एक लिक्विड दिया गया है, आप इस लिक्विड को खोल के इसके ऊपर फिट करके आप भर सकते हो, हवा भर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी कम से कम 50 से लेकर 70 किलोमीटर तक आराम से जा सकती है और आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इस गाड़ी में आपको जो है बेस मॉडल में भी आपको कंपनी की तरफ से स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दिया गया, जो कि आप देख सकते हो लीवर यहाँ से है,
इसको आप डाउन करके स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ, इतना जो है एडजस्टमेंट स्टीयरिंग में हो सकता है। अब मैं आपको गाड़ी के जो एक्चुअल माइलेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरी गाड़ी जो है 816.8 किलोमीटर चली हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 816.8 किलोमीटर में से ये गाड़ी 550 किलोमीटर पहाड़ों के ऊपर चली हुई है। ये जो है कुरुक्षेत्र से लेके बद्रीनाथ तक गई थी और वहाँ से वापस आई है गाड़ी। तो मैंने रुद्रप्रयाग में पेट्रोल डलवाया था, तो आप देख सकते हो 816.8 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक और ये 17.5 की माइलेज दिखा रही है, जिसमें से लगभग ये 100 से लेके 150 किलोमीटर हाईवे पे चली है और अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर की हमारे लोकल जो गांव होते हैं उसमें चली है। तो आप देख रहे हो ये गाड़ी 17.5 की माइलेज दे रही है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हाईवे के ऊपर जो इसकी माइलेज निकल के आती है वो अप्रोक्सीमेट 22 से लेके 23 के बीच में निकल के आती है। आ रहा हूँ यहाँ पे मेरी गाड़ी का एसी ऑन है और इंजन ऑन है, आप देख सकते हो। बट लेकिन इस गाड़ी की आवाज़ आप देख सकते हो कि इतनी बुरी आवाज़ नहीं है, जैसे लोग बोल रहे थे कि टाटा की गाड़ियाँ इतनी आवाज़ करती है, बट टाटा ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। और सबसे बड़ी बात, ये सेफेस्ट कार है इंडिया की और 5-स्टार रेटिंग के साथ। मेरे को ये गाड़ी जो है जब मैंने बुक करी थी तब ये एक्शोरूम प्राइस जो था इसका 5,80,000 रुपये था और मेरे को जो ऑन रोड जो इसका रेट मिला, मेरे को ये गाड़ी जो है 6,34,000 रुपये की ऑन रोड पड़ी है। बट अभी जो गाड़ी जो है 70,000 रुपये महंगी हो चुकी है, क्योंकि हालांकि सभी गाड़ियां महंगी हो चुकी हैं, बट मेरे को फिर भी ये गाड़ी बहुत बेस्ट लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, बट लेकिन अगर आप फीचर कंपेयर करोगे किसी और गाड़ी के मुकाबले तो आपको ये बेस्ट लगेगी। इस सेगमेंट की अगर आप कोई और छोटी से छोटी गाड़ी लेते हो तो आपको जो है 14 इंच के टायर मिलते हैं, जबकि इसमें 15 इंच के टायर दे रखे हैं। देन आपको ये नया इंटरफेस मिल जाता है स्टीरियो कंट्रोल का, बिल्कुल टोटली एक न्यू डिज़ाइन है। आप देख सकते हो जो एसी के वेंट हैं, कॉर्नरिंग है रेक्टेंगल में, जिसका डिजिटल क्लस्टर है वो भी बिल्कुल एकदम नया दे रखा है। स्टीयरिंग कंट्रोल आपको मिल जाता है, स्टीयरिंग कंट्रोल आप देख सकते हो। देन इसका जो स्टीयरिंग है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो और वो भी ये फीचर जो है आपको बेस मॉडल में मिलता है। और दूसरा एक फीचर आपको और बताना चाह रहा हूँ, इसमें दोस्तों दो मोड आते हैं। अगर आप देख रहे हो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे सिटी लिखा आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे सिटी लिखा आ रहा है। देन अब जाओगे, मैंने यहाँ पे इस बटन को क्लिक किया यहाँ से, देन यहाँ पे आप देखोगे तो ये इको मोड में चला गया। तो सिटी मोड आपको तो है जब आपको गाड़ी थोड़ी सी तेज चलानी है या आपको ओवरटेक करना है तो आप सिटी मोड में चलाओ, आपको पावर की जरूरत है। अगर आपको पावर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो आप इको मोड में गाड़ी को चला सकते हो। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ए लिखा हुआ है, ए का मतलब ये है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, मतलब ये है कि जब भी गाड़ी आपकी जो है हाईवे ट्रैफिक में होगी तो अगर आप ब्रेक लगाते हो तो ये फीचर आपका ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप क्लच के ऊपर पैर रखोगे तो आपकी गाड़ी फिर स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा, टाटा पंच के हर मॉडल में आपको जो है यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिलेगा। ये चार्जिंग केबल जो है 5 वोल्ट का चार्जिंग केबल है, तो आप इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना। बट लेकिन ये है कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना जो होम आई स्टडी मोबाइल पे इसका गिम्बल है वो चार्जिंग पे लगा रखा है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने आधी वीडियो जो है इसी से मैंने शूट करी है, क्योंकि मेरे को ये बजट में बिल्कुल सही लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ये गिम्बल परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिसका बजट अगर 6 या 7 हज़ार के बीच में है तो ये सबसे बेस्ट गिम्बल है। इससे बिल्कुल स्टडी वीडियो आती है, इसकी वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो मेरी वीडियो में आपको मिलेगी। इसमें जो है हरमन के स्पीकर लगे हुए हैं और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं फट रही है और इसकी जो बेस है वो भी बिल्कुल शानदार है। अब मैं इसको बेस को शानदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक एवरेज पर्सन हूँ और मेरे लिए इतनी बेस सफिशिएंट है, तो मैं बिल्कुल ही खुश हूँ इस गाड़ी से और मेरे को ये गाड़ी बहुत प्यारी लगी है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब इस गाड़ी को लेने की सोच रहा था, मैं नई गाड़ी को लेने की सोच रहा था, तो मैंने और भी गाड़ी देखी थी। सबसे पहले मैंने टियागो देखी, देन फिर मैंने वैगनार देखी और मेरा
जब मेरे को बोला गया कि मेरी जो वेटिंग है गाड़ी की वो 1 महीने की है, तो मैं बीच में अगर मेरा मन बन गया था कि धनतेरस है अब तो मेरे को आज गाड़ी लेनी ही है, तो मैं वैगनर के शोरूम भी चला गया था और मैंने पूरा मन बना लिया था वैगनर लेने का कि मैं पंच नहीं लूँगा। बट लेकिन मैंने थोड़ा पेशेंस रखा और जब एक गाड़ी मेरे को मिली और जब मैंने उसको गाड़ी को कंपेयर किया कि मैंने क्या छोड़ा, तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये गाड़ी कितनी प्यारी है। और ये गाड़ी जो है दोस्तों, ये जोशीमठ, तुंगनाथ महादेव, बद्रीनाथ, आप मकलोडगंज, हरिपुर धार, देहरादून, ऋषिकेश, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये ना गई हो। बट लेकिन मैं आशा करता हूँ आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं इसकी फुटेज, और मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।